नमस्कार, मैं हूँ धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। चुनाव समाप्त हो चुके हैं, 23 मई को नतीजे आने हैं और लगातार एग्जिट पोल को लेकर के बातें हो रही है। लेकिन इसी बीच में सबसे ज़्यादा जो खबरें आ रही हैं वो खबरें आ रही हैं ईवीएम को लेकर के। लगातार लोग मैसेज कर रहे हैं, लगातार वीडियो आ रही है कि यहाँ पर फलां जगह पर जो है ईवीएम को लेकर के ये फर्जीवाड़ा हुआ है, फलां जगह ईवीएम को लेकर के ये फर्जीवाड़ा हुआ है। लेकिन खबर की जब तक सच्चाई का पता ना हो तब तक जो है हम आपके सामने नहीं आ सकते हैं। इसीलिए जो है तमाम वीडियो सामने आ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है हम उन खबरों की जो है सच्चाई को पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। एक वीडियो जो है आई है वो चंदौली से आई है एक वीडियो, और लगातार जो है सोशल मीडिया पर वो वीडियो जो है वायरल हो रही है। और इस वीडियो में दिखाया गया है कि पहले एक व्यक्ति जो है जाता है वो जहाँ पर एक पिकअप में जो है, पिकअप एक छोटी जो गाड़ी होती है उसमें जो है काफ़ी सारी ईवीएम की मशीन जो है वो एक अनाज मंडी में लाई जाती है और वहाँ पर रखी जाती है। वो व्यक्ति पता करता है कि ईवीएम कैसी है, जो ईवीएम एक दिन पहले आनी थी वो एक दिन बाद में क्यों आ रही है। तो पहले आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद में इस खबर को लेकर के आगे बात करेंगे। अभी मैं वहीं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जहां पे उतर रहा हूं मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं जी। कोई यहां पे नहीं है, अंदर जो है उतर रहा है, ये लोग कुछ बता नहीं रहे। किसी पार्टी के लोग नहीं यहां पे। रूम नंबर 10। रूम नंबर 10 में जो है आज ईवीएम मशीन जो है लाई जा रही है। अब ये पिकअप से ये लोग उतार रहे हैं, देखिए रूम नंबर 10 जो है सारी ईवीएम पर अभी लाए हैं, अभी पिकअप से उतर रहा है। पहले कुछ बक्से पड़े हैं, उसके बाद अभी ईवीएम उतर रहा है इसमें। अभी कहाँ से ला रहे हो? सकलिया से ला रहे हो? हाँ सर, लेट हो गया था इसीलिए। कल आनी थी, आज की बार है? किसने बोला आप लोग को लाने के लिए? हम कहाँ से लाए हैं? क्या किसी है? ये सकलडीहा से लोग बता रहे हैं जो है कि सकलडीहा से लाए हैं ईवीएम मशीन, और ये लोग जो है इसमें रूम नंबर 10 में रख रहे हैं जो है। ये सकलडीहा की जो है ईवीएम मशीन जो है यहाँ पे लाई गई है। आज चुनाव कल ही समाप्त हो गया लेकिन आज लाई गई है। ये लोग बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्यों कहाँ से आ रही है सकलिया, आज क्यों ला रहे हैं? रिजर्व में गया था ना, इनका कहना है कि ये रिजर्व में गया था जो है। किसके कहने से लाए हैं आप लोग? कौन मैडम? तहसीलदार मैडम। क्या बोली हो आपको? हम लोग सफाई कर्मी हैं, आइए उतारना है, हम उतार रहे हैं। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि हम सफाई कर्मी हैं, हम उतारना है, ये लोग कह रहे हैं हम उतार रहे हैं। तो आपने ये वीडियो देखी और ये खबर जो है कई सारे सवाल खड़े करती है। सवाल ये है कि कैसे जो ईवीएम की मशीनें एक दिन पहले आ जानी चाहिए थी वो एक दिन बाद में क्यों आ रही है। दूसरा सवाल ये है कि ईवीएम की मशीनों को लाने के लिए इस तरह ओपन जीप का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि चुनाव आयोग जिस भी वाहन का इस्तेमाल करता है उसका बाकायदा चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन होता है, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद में जो है वाहन इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरा बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम की मशीनें वहाँ पर उतारी जा रही थी और वहाँ पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। कुछ लोग वहां पर थे, जब उनसे पूछा गया कि आप लोग कौन हैं तो उन्होंने कहा कि हम लोग सफाई कर्मचारी हैं, और उनसे हमसे जो है कहा गया है कि आप जो है ये ईवीएम की मशीन उतार दीजिए। अब आप बताइए कि इतनी बड़ी संख्या में अगर ईवीएम की मशीनें वहां पर उतारी जा रही है और वहां पर कोई अधिकारी वहां पर नहीं है जो वहां पर जवाब दे सके कि ईवीएम की जो मशीनें हैं वो यहां पर उतारी जा रही है और उसकी निगरानी में है, ऐसे में जो है जनता के मन में जो है सवाल उठेंगे, जनता के मन में जो है संदेह उत्पन्न होगा कि ईवीएम की मशीनों के साथ में ऐसा फर्जीवाड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर तीसरा बड़ा सवाल है जो वीडियो आगे, एक वीडियो आपको और दिखाएंगे, कुछ लोग जो है शाम को पहुंचते हैं, उसके बाद में वहां पर फिर जो है सवाल, लोग जो है स्थानीय लोग जो है वो सवाल पूछते हैं कि यहां पर आखिरकार क्या हो रहा है। तो वह ऐसे में आनंद फानंद जो है उस मंडी से वो ईवीएम की मशीनें दोबारा से वहां से निकाल करके और फिर लोड करके रात को वहां से निकाल के ली जाती हैं। अब ऐसे में फिर सवाल उठते हैं कि ईवीएम की मशीनें दिन में आती हैं और रात में फिर वहां से चली जाती हैं, तो क्या ऐसी वजह थी कि सुबह सुबह जो है दिन में दोपहर में जो है वहां पर एक दिन बाद में ईवीएम की मशीनें आई।
फिर क्या ऐसी वजह है कि रातों रात जो है ईवीएम की जो मशीनें हैं वहां से लेकर जाना पड़ा? देखिए चोरी का ईवीएम बाहर करो, दूसरा देखिए खाली ईवीएम है, खाली ईवीएम खाली ईवीएम पकड़ी गई। देखिए देखिए खाली ईवीएम चंदौली मंडल बूथ रहता है ईवीएम है अरे उतना तो जीत जाप काट के फेंक दी बजा अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।